प्लास्टिक के कचरों की वजह से शहरों में प्रदूषण देखने को मिल रहा है। साथ ही प्लास्टिक कचरों की वजह से हर साल तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जानवरों की मौत हो जाती है, क्योंकि नदियों से लेकर समुद्र तक प्लास्टिक देखने को मिलती है। लेकिन अब साइंटिस्ट ने इसके सही इस्तेमाल का तरीका ढूंढ लिया है। साइंटिस्ट ने पहली बार प्लास्टिक के कचरे से आइसक्रीम में मिलाया जाने वाला वैनिला फ्लेवर तैयार किया है। वैनिलिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो वैनिला की तरह महकता और स्वाद पैदा करता है। कुदरती तौर पर यह वैनिला फ्लेवर बीन से निकाला जाता है। इसमें 85% वैनिला जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल से निकला केमिकल से निकाला जाता है। वैनिला की मांग पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, ये लगातार बढ़ रही है। साल 2018 में वैनिला की मांग 37,000 मैट्रिक टन था, जो 2025 तक बढ़कर 59,000 मैट्रिक टन होने की उम्मीद है। ये स्टडी 10 जून को ग्रीन केमिस्ट्री नाम के जर्नल में पब्लिश हुई थी। फिलहाल जितने वैनिला बीन की पैदावार है उससे कई गुना ज्यादा वैनिला की मांग है। वैनिला की बढ़ती मांग को देखते हुए साइंटिस्ट ने इसे सिंथेटिकली विकसित करने का तरीका निकाला है। साइंटिस्ट ने प्लास्टिक कचरे को जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से मिलाकर वैनिलिन बनाया है। इससे वैनिलिन का उत्पादन भी ज्यादा होगा और प्लास्टिक का कचरा भी दुनिया से कम होगा। साइंटिस्ट इससे पहले प्लास्टिक के बोतलों को तोड़ने में कामयाब हुए थे। ये बोतल पॉलीथाइलिन टेरेफेथलिक से बनी होती है, इसे टेरेफेथलिक एसिड भी बोलते हैं। स्कॉटलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के 2 शोधकर्ताओं ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोली बैक्टीरिया की मदद से टेरेफेथलिक एसिड को वैनिलिन में बदल दिया है। बैक्टीरिया की मदद से इनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड्स में मामूली चेंजेस किया गया है। साइंटिस्ट ने ई कोली बैक्टीरिया को टेरेफेथलिक एसिड के साथ 37 डिग्री सेल्सियस पर 1 दिन के लिए रखा। इसके बाद टेरेफेथलिक एसिड का 79% हिस्सा वैनिलिन में बदल गया। करीब 10 लाख प्लास्टिक बोतलें पर मिनट के हिसाब से पूरी दुनिया में बेची जाती हैं। इनमें से 14% बोतलों को ही रिसाइकिल किया जाता है। रिसाइकिल की जाने वाली बोतलों का यूज फिलहाल कपड़े, कारपेट और फाइबर बनाने में किया जाता है। हाल ही में हुई रिसर्च से पता चला है कि दुनिया के महासागरों में दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषण प्लास्टिक से हो रहा है। वहीं सबसे ज्यादा प्रदूषण प्लास्टिक थैलियों से हो रही है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का कहना है कि ये अच्छा तरीका है प्लास्टिक के कचड़ों को रिसाइकल करके यूज लायक बनाने का। ये दिखाता है कि हम ग्रीन केमिस्ट्री की दुनिया की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी हो या ना हो ये अलग बात है, मगर आप लाइक ना करें ये गलत बात है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे।